हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाच एडू चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है एक नया टॉपिक पे, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, आज डिस्कस करने वाला है नेशनल इनकम पे, जो नेशनल इनकम के रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड आ सकता है, जीएनपी से रिलेटेड आ सकता है, एनएनपी से रिलेटेड आ सकता है, पर्सनल इनकम से रिलेटेड आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग के लिए राइज हो सकता है। अगर आप एक कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक भी हो सकता है, एक भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आज हम लोग कौन सी पॉइंट में डिस्कस करने वाला है, कैसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाला है। एंड डिस्कस करने से पहले मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ये वाला वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के डेफिनेशन पे अगर हम लोग देखें तो इट इज यूजुअली डिफाइंड एज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री। इन्हें एक कंट्री पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है या गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, उसको ही नेशनल इनकम बोला जाता है। इन ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड, जनरली वन ईयर, इट इज कंसिडर्ड जनरली इन वन ईयर। ठीक है, जीडीपी इज कंसिडर्ड जनरली वन ईयर। एंड अभी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या मेजर्स में अगर हम लोग बोले नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करता है, जैसे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम आर जीडीपी, फर्स्ट आ गया जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड पर्सनल इनकम दैट इज पीआई, एंड डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाला है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और कैसे रख रहा है। ठीक है, जीडीपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसका वैल्यू है क्या, इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, एक सामान बन गया इंडिया पे, शायद हम पकड़ लेते हैं इंडिया पे एक सामान बन गया। ठीक है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल गुड्स, वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो फाइनल होगा वही विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब वन ईयर के अंदर अगर इंडिया पे कुछ सामान बनते या बनेगा, लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको ही जीडीपी पे डिपेंड करता है, जीडीपी का डिपेंड करता है। ठीक है, जीडीपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, जनरली इट इज कंसिडर्ड इन वन ईयर। इन दिस वी कंसिडर ऑल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस बाय बोथ रेसिडेंट सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स हु रिसाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। सपोज देर आर 100 crore इंडियन, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 crore इंडियंस है हु अर्न रुपीज 100 crore इन इंडियन टेरिटरी, हर एक रुपया मतलब अर्निंग करते हैं। ठीक है, एंड 1 crore फॉरेनर्स हु अर्न रुपीज 10 crore इन इंडियन टेरिटरी एंड सेंड इट टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, एट द सेम टाइम 10 crore इंडियंस लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज अर्न रुपीज 40 crore एंड सेंड इट टू इंडिया, मतलब उसका जीडीपी कितना होगा, जीडीपी होगा 100 + 10 दैट इज 110 crore। ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी इज डिफाइंड एज अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया इंडियंस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। जीएनपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट सिटीजंस ऑफ ए कंट्री, whereas the income of foreigners who reside in India is excluded. So India पे रहता है foreigners, उसका income excluded, मतलब count नहीं किया जाता। ठीक है, national income है उसमें। अगर पकड़ लेते हैं, हम example ले लेते हैं, suppose there are 100 crore Indians, same way हमने जो पहले GDP के लिए example लिया था, उसका profit कितना है 100 crore in Indian territory में, 1 crore foreigners who earn 10 crores in Indian territory and send it to their respective countries. At the same time, 10 crores Indians living in foreign countries earn 40 crores and send it to India. अभी उसका GNP कितना होगा? That is 100 plus 40, that is 140 crore. अगर GDP में देखें तो 100 plus 10, 110 crore. We can say that GNP equal to GDP plus net factory income from abroad, that is export minus import. Inward remittances come in export and outward remittances in import. नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज NNP, इट इज कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग डिप्रेसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज GNP. NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेसिएशन नोट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉस्ट इनक्योर टू प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस. फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस वी एड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिडक्ट सब्सिडीज गिवन बाई द गवर्नमेंट इन फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. NNP एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज NNP एट मार्केट प्राइसेस माइनस इन डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी.
यूजुअली वी कॉल एनएनपी एट बट फैक्टर कॉस्ट एट नेशनल इनकम लाइकवाइज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हम लोग बात करेंगे पर्सनल इनकम के रिलेटेड थोड़ा सा, दैट इज इट इज सम ऑफ ऑल द इनकम रिसीव बाय द पर्सन ऑफ द कंट्री इन मनी। सब काउंटी होने पे होता है, ठीक है, ये अलग याद रखिए। इट इज सम ऑफ ऑल द कंट्रीज रिसीव बाय द पीपल ऑफ द कंट्री इन मनी। पर्सनल इनकम कैसे काम करेगा, दैट इज नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स फाइनेंस अनडिस्क्लोज प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट पेमेंट्स प्लस पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट्स दैट आर नॉट अगेंस्ट एनी प्रोडक्टिव वर्क, जैसे एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा, सोशल स्क्रूटनी सिक्योरिटी प्रोविजन दैट इज पेमेंट मेड बाई एम्प्लॉयज टवर्ड्स ईएफ हो गया, इंश्योरेंस आ गया एक्सेट्रा, ठीक है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दैट इज इनकम अगेंस्ट टू इंडिविजुअल डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम दैट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। अभी रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम के बारे में देखेंगे। रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम पे अगर देखें तो इफ वी यूज बेस ईयर प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दिस इज कॉल्ड द रियल इनकम। इफ वी यूज पर्टिकुलर ईयर दैट इज करंट ईयर प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दिस इनकम इज कॉल्ड द नॉमिनल इनकम। अभी जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में अगर देखें तो यूज टू कैलकुलेट ओवरऑल प्राइस राइज। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसका फर्स्ट रूलर है दत्ताभाई नौरोजी। दत्ताभाई नौरोजी इन 1868 में वो एक बुक लिखा था जो प्रॉपर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में रिलेटेड था। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम साइंटिफिकली वॉज डॉक्टर वी के आर बी राव, हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द पीरियड 1925 to 1929 आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेशनल इनकम कमिटी वॉज फॉर्मड इन 1949 अंडर द चेयरमैन ऑफ पी सी महलानोबिस। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, जो आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी वॉज फॉर्मड इन 1949 अंडर द चेयरमैन ऑफ हुम पी सी महलानोबिस। आफ्टर सम इयर्स सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO वॉज फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर ये वाला वीडियो आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।